वेलकम इन पदमश्री लाइफस्टाइल। तो गाइस, उदयपुर में आज हमारा फोर्थ डे है और सबसे पहले हम जा रहे हैं सज्जनगढ़ पैलेस देखने और बायोलॉजिकल पार्क देखने। तो सबसे पहले हम सज्जनगढ़ पैलेस देखने जाएंगे जो काफ़ी ऊंचाई पे है, बट डोंट वेरी, कार ऊपर तक जाती है पैलेस में। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम इन पदमश्री लाइफस्टाइल। और आज है हमारा उदयपुर में फोर्थ डे और अभी हम आए हैं सज्जनगढ़ फोर्ट। तो पीछे देख रहे होंगे काफ़ी ऊंचाई पे है ये, ऊपर तक कार आ गई। ये देखिए मंकी, माही को देखते ही मंकी आ जाते हैं क्योंकि माही के फ्रेंड्स हैं ना, नाम भी एम से शुरू है इसलिए वो आ जाते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस तो ये है सामने सज्जनगढ़ पैलेस, कितना सुंदर है ना, कितनी ऊंचाई पे पैलेस बनाते हैं। तो सामने है सज्जनगढ़ पैलेस, वो बहुत ऊंचाई पे है ये। और वो सामने फतेह सागर लेक, और सामने मेरे दोनों शैतान बच्चे उधर नानू देख रहे हैं। वो मंकी बैठे हैं पेड़ पे। सो गाइस, सज्जनगढ़ पैलेस की टिकट है 70 रुपीज़ पर हेड और कार पार्किंग के 200 एक्स्ट्रा हैं। सो गाइस, सज्जनगढ़ पैलेस बनवाया था राजा सज्जन सिंह ने और स्पेशली ये पैलेस उन्होंने बनवाया था मॉनसून के लिए, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे है तो ऊंचाई पर से बादलों को देख के बारिश का अनुमान लगाया जा सके। कमल के फूल कीचड़ में ही खिलते हैं ना। सो गाइस, सर्दियों की धूप में और इतनी ऊंचाई पे इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देख कर दिल खुश हो गया। तो सर्दियों में फोर्ट और राजस्थान घूमना बहुत अच्छा लगता है और इस फोर्ट पर से तो फतेह सागर लेक और काफ़ी कुछ, इतने सुंदर सुंदर पहाड़ और इतने सुंदर नज़ारे थे तो दिल खुश हो गया। पर गर्मियों में शायद ये सब इतना सुंदर ना लगता हो। तो आप राजस्थान जब भी घूमने जाएं तो उसके लिए विंटर ही सबसे अच्छा मौसम है। पैलेस के बाहर आपको एक कैंटीन भी मिल जाएगी, अगर आपको भूख प्यास है तो आप खा पी सकते हैं, बट उसके रेट थोड़े हाई हैं।
फ्रेंड्स, राजा सज्जन सिंह मेवाड़ के 72वें शासक थे और उन्होंने ये पैलेस बनवाना शुरू किया था, बट वो पूरा नहीं बनवा पाए उसको, क्योंकि उनकी छोटी ही एज में डेथ हो गई थी। और उसके बाद जो राजा उत्तम सिंह थे उन्होंने ये पैलेस पूरा बनवाया। तो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल पार्क के जानवर और पक्षी हैं उनके भी यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह लगाई हुई थी और काफ़ी सुंदर बनाया हुआ था अंदर से इसे। और इस पैलेस की एक खासियत और है कि यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया हुआ है, जिससे बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है और वो 1,00,000 टन से ज़्यादा पानी यहाँ पे स्टोरेज किया जा सकता है। आओ मंकी आओ, देखो मंकी ये रे। फोन छीन लगाए, मत करो। नहीं ये वो वाले नहीं है, ये वो वाले नहीं। ये अपने बंदर का डायपर चेंज कर रहा है, ये अपने बच्चे का डायपर चेंज कर रहा है। सो गाइस, अभी फोर्टम हो आए हैं और अब हम जा रहे हैं बायोलॉजिकल पार्क में और जू में। सो गाइस, पैलेस से आके यहीं पे नीचे आपको बायोलॉजिकल पार्क मिल जाएगा और इसकी एंट्री टिकट 40 रुपीज़ पर हेड है और अंदर आपको यहाँ पे बैटरी कार भी मिल जाएगी, तो इजी होता है देखना बच्चों के साथ में, वरना थोड़ा बड़ा है तो पैदल आप थक जाएंगे, तो हमने बैटरी कार ली थी। ओ मेरे डियर, और आगे है बैटरी कार, वहां से हम बैठेंगे। जल्दी से भागो, पिप पिप पे। माही देखो, ये वाला नहीं देखा था ना किसी भी जू में। ऑस्ट्रिच चाहिए, ऑस्ट्रिच सबसे तेज भागता है ये।
भीड़ कितनी थी यार। कोने में जाके छुप जाता है क्योंकि मेरी कोई फोटो नहीं खींच ले। उसको अपनी पिक नहीं करानी? नहीं। क्यों, उसे पसंद नहीं है? हाँ, छुप के बैठा। उसको शर्म आती है। आपकी तरह? सनी की तरह? हाँ। ये अब तो क्या खाता है? फिश। फिश खाता है? उसको फिश देंगे। दो दो बैठे हैं। इनकी लड़ाई हो सकती है। हाँ, हो सकती है। ये रहा सामने। खड़ा हुआ है। भाई देखो मैदान में लपड़ को बंद किया हुआ है। इधर से ही जाना है, उन्होंने बोला इधर से उतर के आ जाना। इधर से ही आ जाना। देखो ये क्या है? ये लगा तो इससे भी। ओ क्या ये? ये देखो इसका अजीब है बहुत। और को पाइन उसको देखो कैसे चलता है ना, बहुत धीरे धीरे चलता है ये। कांटे हैं ये, इसके सारे कांटे लगे हुए हैं। ये शेर से बचने के लिए है। अगर शेर उन पे हमला करे तो ये उनके ऊपर कांटे चुभा दे। हाँ। कोई भी इनको खा ना सके। हां मम्मा देखो टोटो टाइट इतने सारे। हां ये तो पत्थर जैसे लग रहे हैं ना। सारे पत्थर ही होता है इनका शेल। इनका शेल पत्थर ही होता है। जितना हार्ड होता है ये देखो ये छोटे वाला। और इनका वेट कितना होता है? एक में कितना वेट होगा बताओ जरा? 25-30 किलो होगा। हाँ, 2-3 किलो होगा बस। वो एक रहा, ये छोटे वाले हैं ना। वो बड़े वाला जो होता है उसमें वो एक रहा और एक वो रहा। देख कितनी धीरे चल रहा है। और वो एक कोने में। देख कितनी धीरे चल रहा है। और वो देख एक कोने में। दिख गया मेरे को।
हाँ देख कैसे ऊपर ये बड़े वाले हैं और ये छोटे वाले हैं। आपको पार्क में मिल जाएगी कैंटीन, अगर आप थक गए हैं तो कुछ खा पी सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माई धरो माही ने अपना चश्मा पहना दिया, फॉक रिकॉर्डिंग चल। इधर खड़े होना माही लाइन के साथ। अरे होना इधर थोड़ा साइड हो जाओ।